आपके वो सामने उनका उनका प्रूफ आपका उनका बल्कि एक्सरे आपके सामने है। आपने देखा होगा कि 60 साल में जिस कौम का पर्पस या जिस कौम की मंजिल सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान हो तो बाकी तरक्की तो खत्म हो जाती है। रोटी कपड़ा और मकान जो है ये खुदाई वादा है। जब इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया तो अल्लाह ताला ने रिस्क इंसान को उसके साथ भेज दिया। हमें सिर्फ इस बात का हुक्म दिया गया है कि आप कोशिश करें, तो जितनी कोशिश करेंगे आप अल्लाह ताला उस रिस्क के मुताबिक आपको रिस्क देता रहेगा। तो इस रिस्क के लिए दिन रात इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, इतने फटे डालने की क्या जरूरत है। जो चीज़ अल्लाह ताला ने आपको दे ली है, अल्लाह ताला ने जमानत ले ली है, उस पर तो मेरा ख्याल है कि किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर आपने अल्लाह ताला के काम को या अल्लाह ताला, मैं दोस्तों कहता हूँ कि हमने मुसलमानों की हैसियत से जो खुदाई डिज़ाइन था इंसानी ज़िंदगी का उसे बदल दिया। अगर हम इंसानी डिज़ाइन खुदा के डिज़ाइन के मुताबिक रखें तो आज हमारी हालत न होगी। लिहाजा हमने क्या किया, हमने खुदाई डिज़ाइन को ज़िंदगी को छोड़कर अपना डिज़ाइन क्रिएट कर लिया। वो डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद क्या हुआ कि हम लोग इंतशार, नफरत और पैसे की दौड़ में इस तरह लग चुके हैं कि हम जो हमारी बुनियादी जिम्मेदारियाँ हैं उसको खत्म कर उनको भूल चुके हैं। तो लिहाजा हमें एज ए सोसाइटी, एज ए माशरा, हमें वापस उन जिम्मेदारियों, हमारी खुदाई जिम्मेदारियाँ, इंसानी जिम्मेदारियाँ उस वक्त पूरी होगी जब हम खुदाई जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। एनी वे, इल्म जो है, इल्म भी इंसान की शराखत है। सबसे पहले मैंने कहा तो आप दोस्त बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, भाई बैठे हैं, हमारी जिंदगी पता नहीं है कि एक दिन है या नहीं है, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। लेकिन आप अपने से वादा कर लें, अपनी एफर्ट्स पूरी करें कि हमने सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनको तालीम याफ्ता करना है। असद हफीज साहब की तरह उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, मुझे दिली खुशी हुई क्योंकि ये हमारे लिए ग्राउंड वर्क मुकम्मल कर रहे हैं। जो पर्पज हमने हासिल करना है डाउन द रोड अराउंड अबाउट 2 ईयर्स लेटर, उसके लिए ये ग्राउंड वर्क मुकम्मल कर रहे हैं ताकि बच्चों को वो बेसिक स्किल्स मिल जाए, जो स्किल्स जो है वो यूनिवर्सिटी में जाके एक्सप्लोर होगी। लिहाजा मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, मैं इस आखिर में यही बात कहूँगा कि प्लीज़ अगर आपने इस मुल्क को, अपने माशरे को, अपनी सोसाइटी को, अपनी तहसील को बेहतर करना है तो हमें अच्छा इंसान बनना है। क्योंकि हम अब हमारे यकीन करें कि मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करता हूँ, मेरा काम जो है वो इंटरनेशनल वकालत का है। जब मैं यूके, यूएसए या बाकी कंट्रीज में जाता हूँ तो हमें बड़ी परेशानी होती है। परेशानी इस बात की होती है कि जब वो हमारी शक्ल नहीं, हमारा पासपोर्ट नहीं, पासपोर्ट तो मेरे पास अमेरिकन है, जब वो हमारी शक्ल देखते हैं कि ये पाकिस्तानी है, मुसलमान है, वो टर्न ऑफ हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारी लीडरशिप ने हमें इस मकाम पे पहुँचाया, हमारी शराखों को खत्म कर दिया है, उन्हें अपने ज़ाती मफादात के लिए पूरी कौम के मफादात को कुर्बान कर दिया। तो आपको उठना पड़ेगा तब्दीली के लिए। तब्दीली क्या होगी? एक, ये हमने आज से वादा किया है इस तहसील में, सिर्फ तहसील लेवल पे माइक्रो प्रोग्रेस करेंगे, माइक्रो प्रॉस्पेरिटी आएगी। आपको इस्लामाबाद से, लाहौर से कभी खत नहीं आएगा या डॉट कॉम पे आपको मैसेज नहीं आएगा कि हमने आपकी हालत को बेहतर कर दिया। अगर हालत को बेहतर करना तो खुद हमने करना है, तहसील लेवल पे हालत बेहतर करेंगे तो पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा। तो मेरा मतलब से ये कहने का है कि आप निकले तब्दीली के लिए। तब्दीली कौन सी होनी चाहिए? इज्तमाई तब्दीली। तहसील के लोग जब उठे अपनी सलाहियतों को उजागर करें और अपने बच्चों को तालीम याफ्ता करें, लोगों से मोहब्बत प्यार करें। अगर किसी बंदे की लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जिस आदमी ने लड़ाई झगड़ा किया उसी के खिलाफ पर्चा दें, बाकी 10 बंदों को ना इन्वॉल्व करें, क्योंकि सिस्टम जो है जैम होकर रह गया है। आप सिस्टम में फंक्शन नहीं कर रहे, आपकी अदालती सिस्टम खत्म हो गया, आपका पुलिस सिस्टम खत्म हो गया, आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम खत्म हो गई है, आपका रेवेन्यू सिस्टम खत्म हो चुका है। आप मुझे बताएं, मुझे नहीं पता कि किस तरह लोग हम सांस ले रहे हैं इस सोसाइटी में। जब तक आप हम जाती मफाद पे कॉम्प्रोमाइज करके इलाके के मफाद को या कौमी मफाद को नहीं कंसीडर करेंगे तरक्की नहीं कर सकते। सवाल ही खराब है। हमारे पास अल्लाह ताला ने बेहतरीन दुनिया का मजहब दिया है, बेहतरीन कुरान दिया है, बेहतरीन पैगंबर दिए है, लेकिन हम इसके बावजूद, आप सोचे थे इसके बावजूद इतने बदनाम है दुनिया में, आपको अंदाजा नहीं इस बात का। आप प्लीज उठे, उठ के अपने आप को, ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क नहीं है, ये हमारा घर है। अब हमें कोई बंदा दुनिया को बड़ा तस्लीम करने के तैयार नहीं, कोई बंदा आपको लेने के लिए तैयार नहीं, कोई बंदा आपको वीजा देने के लिए तैयार नहीं। वजह तो वो कहते हैं कि ये लोग जो है, इनका करेक्टर जो है वो बेहतर नहीं है। लिहाजा कमालिया यूनिवर्सिटी का जो बेसिक मोटो है, जो हम लिख के लगा रहे हैं, वो लिख के लगा रहे हैं कि करेक्टर इज अ डेस्टिनी।
हमने लोगों के किरदार को बेहतर करना है। किरदार किसका बेहतर करेंगे? उन्हें बेहतर तालीम देगा। लिहाजा जिस इंसान का किरदार बेहतर हो जाएगा, वो माशरा बेहतर हो जाएगा, वो कौम बेहतर हो जाएगी, उसकी शनाख्त बढ़ जाएगी। आपसे लोग डरेंगे। डरेंगे किस बात से डरेंगे? ये नहीं कि आपकी जेब में पैसे कितने हैं, इस बात से डरेंगे कि आपका करेक्टर मजबूत है, आप अच्छे इंसान हैं, आप दूसरे इंसान को तकलीफ नहीं दे रहे। लिहाजा इस तरह आपको जो है वो छोटी पुरानी बातें, 60 साल की बातें जो है ना, वो नाली और सोलन की बातें, तकिए लगाने की बातें, उनको भूल जाए। ये हमारी मंजिल नहीं है। मंजिल हमारी क्या है? इससे बहुत सुपीरियर मंजिल है, उस मंजिल की तरफ जाए। नहीं लेना चाहता आपका, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। तो मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी बात को सुना, और मैं इसकी उम्मीद भी करता हूँ कि खुदा के लिए थोड़ा सा सोचने के बाद ये बराबरी के सिलसिले जो है, जो आपकी बाकी फैक्टर्स हैं इलेक्शन में, उनको इग्नोर कर रहा। दुनिया में आप देख रहे हैं, अमेरिका में सर अगर कोई हुकूमत बंदा कर रहा है, सिर्फ 100 बंदा हुकूमत कर रहा है, 100 सेनेटर्स हैं जो वो हुकूमत कर रहे हैं। वही लोगों को डेमोक्रेट बना रहे, वही लोगों को रिपब्लिक बना रहे, वही लोगों को अच्छे बना रहे, वही बुरे बना रहे। क्यों? क्योंकि वो जो 100 करीम है, 200 मिलियन लोगों में से सिर्फ 100 बंदा जो है, वो जो करीम है, वो देने वाले हैं, लेने वाले हैं। यहाँ जितने भी सियासतदान हैं, वो लेने वाले हैं, देने वाले हैं। ये आपको फैसला करना होगा। थैंक यू वेरी मच।